और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया है। अब सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की फोटो और साथ ही मंत्रियों की भी तस्वीर लगेगी, राज्यपाल की भी तस्वीर अब लग सकेगी सरकारी विज्ञापनों में। जो पहले फैसला था, पिछले साल का फैसला, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की ही तस्वीर लगने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ 5 राज्यों की सरकारों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। और अब कोर्ट में केंद्र और तमिलनाडु सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने यह बात कही थी कि इसमें तस्वीर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी होनी चाहिए। और अब ये फैसला पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया है। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, ये बड़ा फैसला है। पिछले साल ये हुआ था कि सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की तस्वीर लगेगी, जिसके खिलाफ में जो याचिका दायर की गई थी उसका केंद्र ने भी समर्थन किया, और अब ये फैसला बदल चुका है। देखिए, चुनावी मौसम में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए इससे बड़ी राहत कुछ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में बदलाव किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापन में केवल 3 इंसान की फोटोग्राफ हो सकती है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और 5 अलग राज्य सरकारों की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ये किसी भी मंत्री का अधिकार है कि वो जनता को अपने काम के बारे में बता सके, और ये काम संसद का है, संसद इस पर निगरानी रख सकती है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्यपाल की तस्वीर भी सरकारी विज्ञापन में हो सकती है, इसको अलाउ किया। इसके साथ ही एक और अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ सरकारी विज्ञापन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया। जी चलिए, आशीष से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, अब सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तस्वीर और राज्यपाल की तस्वीर भी लगेगी। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये एक बड़ी सौगात भी है राज्यों के लिए।